जून के महीने की शुरुआत में मौसम कहीं ना कहीं करवट ले रहा है। उत्तरी भारत में मानसून का इंतजार बेसब्री से है। ठंडी हवाएं, हल्की बारिश की बूंदें और तेज आंधियां इशारा कर रही हैं कि मानसून इस बार भी जोरदार रहने वाला होगा। तो इस कड़ी में चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग से अर्थ प्रकाश की ये ग्राउंड रिपोर्ट हर किसी को देखनी चाहिए। अर्थ प्रकाश संवाददाता राकेश ने मौसम वैज्ञानिक एके सिंह से बातचीत की है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एके सिंह ने अर्थ प्रकाश के सवालों के जवाब दिए हैं। आइए सुनाते हैं इस पूरी वार्ता। देखिए, जहाँ तक कल जो मौसम ऑब्जर्व किया गया था, जिस तरीके से धूल भरी और आंधी और गस्ती विंड्स आपको चल रहे थे, बिजली चमक रही थी, थंडर हो रहा था, इसका ऑलरेडी हमने पूर्वानुमान व्यक्त कर दिया था कि ये होने वाला है। और जहाँ तक आज की बात है, तो आज भी हमारा जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आपको थंडर और लाइटनिंग की घटनाएँ होने वाली है। 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको हवाएं भी चलने वाली है और छिटपुट पार्ट में आपको बारिश भी हो सकती है। कल भी हमारा यही पूर्वानुमान है, लेकिन कल हरियाणा में थोड़ा सा ये तेज हवाएं जो है उनका रफ्तार कम रहेगा, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन पंजाब में 50 से 60 ही रहेगा। और इसके लिए हमने आज के दिन में ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, और कल के लिए हमने पंजाब में ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है और हरियाणा में जो है आपको येलो अलर्ट दिया हुआ है। जहाँ तक उसके बाद का सवाल है, परसों से आपको छिटपुट पार्ट, आज कल और परसों भी छिटपुट पार्ट में आपको बारिश होगी, छिटपुट बहुत थोड़ी बहुत बारिश होगी, उसके बाद मौसम आपको ड्राई रहने की संभावना है। सर, जैसे कि अभी आपने येलो अलर्ट की बात की, तो ये अगर आम दर्शकों के लिए हम बताना चाहें तो ये इन कलर्स में आप कितने कलर्स में डिनोमिनेट करते हैं और उनके क्या क्या मतलब हैं? देखिए, हम चार कलर दिखाते हैं, हरा, पीला, ऑरेंज और रेड, लाल। तो इसमें सबसे खतरनाक जो रंग है वो आपको लाल होता है। लाल का मतलब होता है कि हमारा आपको एक्शन लेने का समय आ गया है, मतलब कि हम जो IBF बेस्ड जो चेतावनी दे रहे हैं उस पर आप डायरेक्ट अमल करिए। ऑरेंज में का मतलब है थोड़ा सा नीचे है, रेड से थोड़ा नीचे है। ऑरेंज का मतलब है कि आप प्रिपेयर्ड रहिए, आप मौसम में बदलाव आने वाला है, मौसम का मिजाज बदलने वाला है, मौसम खतरनाक रूप ले सकता है। ये किसी भी तरह से हो सकता है, अगर ठंड के रूप में, गर्मी के रूप में, थंडर के रूप में, बारिश के रूप में, या फिर तेज हवा, किसी भी रूप में आप इसके बारे में अलर्ट मोड में आ जाए। येलो का मतलब है कि बी अपडेटेड, मौसम का मिजाज बदल सकता है, इसके लिए कॉन्स्टेंटली हमारे साइट्स को, वेबसाइट्स को ऑब्जर्व करते रहें कि क्या होने वाला है। और हरा का मतलब है सब कुछ क्लियर है, मौसम जो है बिल्कुल नॉर्मल रहने वाले है, कोई चिंता की बात नहीं है। सर, आमतौर पे हम जो देखते हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशन आती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर की वेरिएशन आप समर की और विंटर की क्या बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, उसके लिए हमारा वेरिएशन का क्राइटेरिया है, जैसे कि हम टेम्परेचर की बात, जैसे कि हमारा जो मेटेरोलॉजी है उसके डिफिनेशन के अनुसार एक हमारा क्लाइमेट किसी भी दिन के लिए एक क्लाइमेटोलॉजिकल नॉर्मल होता है। जैसे कि आज का दिन है, आज का दिन के लिए कोई ना कोई हमारा एक क्लाइमेटोलॉजिकल नॉर्मल है, जैसे चंडीगढ़ के लिए, ये हर एक स्टेशन के लिए अलग अलग होता है। और ये नॉर्मल जो होता है लॉन्ग टाइम एवरेज होता है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है 50 साल 60 का, उसके बेसिस पर इस एवरेज को हम निकालते हैं। तो सपोज करिए कि आज का टेम्परेचर, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज का यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर सपोज करिए कि 40 डिग्री के करीब है, 40 डिग्री के करीब है, मतलब ये क्लाइमेटोलॉजिकल एवरेज है। लेकिन यदि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का ऑब्जर्व किया जाता है 45 डिग्री, मतलब कि 44.5 के करीब, तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि यहाँ पर हीट वेव के कंडीशंस हैं। मतलब कि जब भी नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री आपको ज़्यादा होता है तो हम उसको हीट वेव का कंडीशन कर देते हैं, और यदि 6.5 डिग्री ज़्यादा हो जाए तो हम उसको सीवियर हीट वेव कंडीशन डिक्लेयर कर देते हैं। और ऑटोमेटिक यदि 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब कि उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब डिपार्चर की ज़रूरत नहीं है। और यदि 47 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो वो भी हम सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं, उसके लिए भी आपको क्लाइमेटोलॉजिकल नॉर्मल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से कोल्ड के दिनों में भी हम करते हैं, कोल्ड डे या फिर कोल्ड नाइट हम डिक्लेयर करते हैं। सर, जैसे हमारे की एक सभ्यता है हमारी जिसमें हम चार मौसमों का जिक्र करते हैं, ठीक है, तो अब आपका मौसम विभाग कितने मौसम मानता है? देखिए, हमारा जो है अभी जो है
अभी हमारे लिए मेन मौसम जो है मानसून सीजन को जिसकी अभी शुरुआत हो चुकी है। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक माना जाता है? मैं बता रहा हूँ, हमारा मानसून सीजन जो चलता है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये चार महीने का हमारा मानसून सीजन चलता है। उसके बाद फिर पोस्ट मानसून सीजन आ जाता है, पोस्ट मानसून सीजन के बाद फिर विंटर सीजन आता है, फिर विंटर सीजन आ जाता है और उसके बाद फिर प्री मानसून सीजन आ जाता है। ये कौन कौन से महीने जरा एक एक्सप्लेन दोबारा से किया? जून जुलाई अगस्त सितंबर और ये पूरे जगह के लिए, ये पूरे इंडिया के लिए वैलिड है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। और जहाँ तक इसके पोस्ट मानसून सीजन, ये आपको ये आ जाता है इसमें अक्टूबर नवंबर, और फिर उसके बाद से विंटर सीजन शुरू होता है दिसंबर जनवरी फरवरी, और फिर उसके बाद प्री मानसून सीजन आ जाता है, ठीक है सर। तो सर एक ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस पावर होती है, तो उसके हिसाब से कि गर्मियों के मौसम में जो नॉर्मल है और उसके बाद प्रिकॉशन लेने का टाइम टेम्परेचर के हिसाब के मतलब इंसान के पास कब होता है वो? देखिए, जब भी आपको हीट वेव के कंडीशंस या फिर सीवियर हीट वेव के कंडीशंस आ जाते हैं जी, तो जब भी सीवियर हीट वेव के कंडीशन या हीट वेव के कंडीशंस आ जाते हैं तब आपको प्रिकॉशंस लेने का आपको समय आ जाता है। जैसे कि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि नॉर्मल से यदि 4.5 डिग्री ज़्यादा है तो हीट वेव के कंडीशन आ जाए तो आपको इसकी ज़रूरत है, मतलब प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और यदि 6.5 डिग्री ज़्यादा आता है तो और भी विशेष प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो समर में आमतौर पे जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है? ये आप किसी एक रीजन के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं, चंडीगढ़ के लिए अलग रहेगा, अमृतसर के लिए अलग रहेगा, क्लाइमेटोलॉजिकल नॉर्मल जो होता है वो अलग अलग होता है, सब जगह के लिए अलग 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 होता है। लेकिन हमारे केस में आपको गर्मी का असल रूप तभी माना जाता है जबकि पारा जो है 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है। जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है तब हम मान लेते हैं कि अब ये हो गया, अब जो है गर्मी अपना वास्तविक रूप दिखाना शुरू करेगी। 40 डिग्री के ऊपर जाने के बाद ही हम डिक्लेयर करते हैं कि हीट वेव कंडीशन होगा या नहीं, या फिर सीवियर हीट वेव कंडीशन होगा ही नहीं। तो 40 तरह से मतलब कि इन प्लेन सीजन के लिए 40 हमारा एक रेफरेंस लाइन है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद ही हम वार्निंग इशू कर देते हैं हीट वेव से रिलेटेड या फिर सीवियर हीट वेव से रिलेटेड। तो जो विंटर के लिए होती हैं ये प्रिकॉशंस की या रेजिस्टेंस की पावर ह्यूमन बॉडी की, वो आप कौन से उसमें मानते हैं डिग्री में? एग्जैक्ट फिगर तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन विंटर में भी क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार ही इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है, 4.5 डिग्री अब 4.5 डिग्री नीचे होना चाहिए या फिर 6.5 डिग्री नीचे। एग्जैक्ट क्राइटेरिया अभी मुझे याद नहीं है कितना डिग्री है एग्जैक्ट। सर अभी जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, और एक आप थोड़े 20 साल 25 साल पीछे चले जाइए 90s की सीरीज में चले जाइए, तो अब तक कितना टेम्परेचर का फर्क मौसम में आ रहा है और उसकी वजह क्या है? देखिए, बेसिकली क्लाइमेट चेंज तो हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं आज से 20-25 साल पहले चले जाइए, उस समय का डेटा मेरे पास नहीं है तो उस समय का अभी बिल्कुल डेटा देना तो मुश्किल है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल हो रहे हैं, ये ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसका जो वास्तविक असर है जिस रूप में आना चाहिए वो अब आता हुआ नज़र आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी आपको क्लाइमेट चेंज होगा तो जो एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं क्लाइमेट के वो आपको बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि अति बारिश शुरू हो जाएगी या अति ठंड शुरू हो जाएगी, अति गर्मी शुरू हो जाएगी, थंडर और लाइटनिंग के केसेज आपको बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बादल फटने की घटना शुरू हो जाएगी, ये सब या फिर बहुत ही तेज साइक्लोन आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की घटनाएं जो है आप अब जो है आपको बढ़ती जा रही है, आप खुद ही देख लीजिए, मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिस रीजन को मैं देख रहा हूँ, कि पिछले साल 8, 9, 10 जुलाई को किस तरीके से आसमानी किस तरीके से बारिश हुई थी, 3 दिनों के अंदर में लगा था कि पूरा पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ भर जाएगा। उसी तरीके से आप इस साल देख लीजिए जनवरी माह में किस तरीके से कोहरे की मार से पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पीड़ित था, और ये लग रहा था कि अब ठंडा जाएगा ही नहीं, और ठंड के चलते लोग पूरी तरह से परेशान हो गए थे। उसी तरीके से इस बार फरवरी में देख लीजिए पंजाब के मालवा रीजन में फिर से टॉर्नेडो आया था, पिछले साल भी इसी रीजन में आया था, इस साल भी टॉर्नेडो आया था, ये देख लीजिए। अब इस बार जो गर्मी का सितम पड़ना शुरू हुआ है 16 मई से, आज के दिन आज जाकर कुछ राहत महसूस हुई है, वो भी 2 दिनों के लिए ही राहत है, उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ने वाली है। तो आप ये देख लीजिए, ये सब कभी आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर जो है 50 डिग्री तक पहुँचेगा? ये सोच के भी परे है, हमारे सोच के भी परे है। तो मेरे कहने का मतलब है कि, और उसी तरीके से आप ये देख लीजिए, आप मानसून सीजन में
तीन चार केस जरूर सूझिएगा कि उत्तराखंड में यहाँ बादल फट गया, यहाँ बादल फट गया। तो अब क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम केसेज बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम केसेज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हो गया, क्लियर कट इंडिकेशन है, क्लाइमेट अब चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है हम पर अब डायरेक्ट रूप से आ रहा है। सर, जैसे कि हमने कोरोना में देखा था, कोरोना के टाइम में जब से लॉकडाउन लगा था तो सारी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ठप थी, तो उस टाइम टेम्परेचर में बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिल रहे थे, मौसम में ठंडक थी, आसमान साफ नजर आता था। देखिए, आपको जब कोरोना ड्यूरेशन था, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से रुक गई थी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से रुक जाती है तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउसेज गैसेज जो होती हैं, जो बेसिकली एटमॉस्फेयर के वार्मिंग के लिए, गर्मी के लिए जिम्मेदार हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, उसका उत्सर्जन बिल्कुल कम हो गया था। तो मेनली एटमॉस्फेयर में तीन ही गैसेज हैं ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जैसे ही आपको ये रुक गई, मतलब कि आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई, तो CO2 का इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन आपको एटमॉस्फेयर में कम हो गया। और जब CO2 का इमिशन, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, इसका इमिशन कम हो गया, ऑब्वियस है कि टेम्परेचर जो है नॉर्मल से आपको कम हो जाएगा। ये तो अंडरस्टूड है सर। तो ऐसे कौन से नॉर्म्स की रिकमेंडेशंस है कि जो ये ग्रीन हाउसेस का जो उत्सर्जन है ये रोका जा सके या कम किया जा सके, कि जो अभी तक लोग नहीं मान रहे और उसकी वजह से टेम्परेचर 50 की तरफ भागा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन की बात है, तो जब भी आर्थिक एक्टिविटी होगी, जब भी आपको डेवलपमेंट होगा, तो ग्रीन हाउसेस गैसेस का तो इमिशन होना ही है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, इसको कम जरूर किया जा सकता है, इस पर रोक जरूर लगाई जा सकती है। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने का जो उपाय है, सबसे बड़ा उपाय है एफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ लगाना। देखिए, डीफॉरेस्टेशन कुछ ना कुछ तो होगा ही, यदि हम डीफॉरेस्टेशन करते हैं तो इसके साथ हमको एफॉरेस्टेशन, हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले हम चार पेड़ लगाएं, ये एफॉरेस्टेशन इसका एक सोल्यूशन है। और दूसरा इसका सोल्यूशन क्या लगता है कि ग्रीन हाउस गैसेज के इफेक्ट को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करें। मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं, हम अपने लेवल पर कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आजकल जनरल टेंडेंसी क्या है, आपके घर में कुछ कूड़ा निकलता है तो आप कूड़ा को सीधे ले जाकर क्या करते हैं, जला देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपने सोचा कि चलो मेरा कूड़ा जल गया, राख जल गया, नहीं, कूड़ा जला नहीं, कूड़ा को आपने एटमोसफेयर में ग्रीन हाउस गैस के रूप में फेंक दिया। तो इसका क्या है, आप उस कूड़े को आप एक कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करके उसको फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे पराली से क्या होता है, उस जला दी जाती है तो जला जाते एटमॉस्फेयर में इमीडिएट ग्रीन हाउस गैस आपको चले जाते हैं। उसका क्या है, हम पराली को रीप्रोसेस करें, उसको रीप्रोसेस करने का क्या खेतों की उत्पादकता बढ़ेगी, तो ग्रीन हाउसेज का इमिशन कम होगा। तो हम अपने लेवल पर जितना भी हो सकता है ग्रीन हाउसेज गैसेज का इमिशन कम करने की कोशिश करें, और साथ ही एफॉरेस्टर अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। सर, जैसे कि अभी आप अवेयरनेस हमें दे रहे हैं, तो आपके डिपार्टमेंट के पास क्या प्रोविजन है कि आप अवेयरनेस को एक एजुकेशन के उसमें लेकर लोगों के पास जा सकें, या आपके साथ सहयोग से कहीं डिपार्टमेंट्स के लिए प्रोविजन की गई है? देखिए, हमारा जो डोमेन है वेदर फोरकास्टिंग है और इम्पैक्ट बेस्ड वेदर फोरकास्ट हम लोग देते हैं। तो हम अपने डोमेन में काम करते हैं, हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट देते हैं और साथ साथ आपको वार्निंग भी इशू करते रहते हैं। इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ये हम सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम रेगुलर इंटरवल पर आपको शेयर करते रहते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये कोई, मतलब कि कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो ग्रीन हाउसेज गैसेस पर रोक लगाए या फिर ये लगाए, कि हम सब की एक सकल जिम्मेदारी बनती है, इवन पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है। तो हम इस बारे में कॉन्स्टेंट, जैसे आपको हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पर स्कूल स्टूडेंट्स आते रहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आते रहते हैं, हम उनको इसके बारे में अवेयर करते रहते हैं। इसके अलावा हम इसके द्वारा भी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी इसके बारे में हम अवेयर सबको करते रहते हैं, और इसका क्या विकराल रूप हो सकता है ये हम सबको बताते रहते हैं। तो हम तो ऑलरेडी अवेयर कर रहे हैं, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि हम सब लोग मिलकर एक सकल प्रयास करें, सिर्फ अवेयर करने से नहीं। आपके पास कोई ऐसा प्रोविजन है कि आप हर एक डिपार्टमेंट को अपनी सजेशन दे सकें कि अब जो ये सोने से तो काम चलेगा नहीं, जो हालात पहुंचते जा रहे हैं हम लोग?
हम जो है हम जितने भी पब्लिक जितने भी आपको मतलब कि पब्लिक वेबसाइट है सब पर हम मौजूद हैं, आइदर ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, या फिर ये टेलीफोन हुआ, हम सारे रिसोर्स या फिर वेब हुआ, सारे रिसोर्सेज के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को अपने सूचनाओं को हम डिसिमिनेट करते हैं, जन जन तक पहुँचाते हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका सोलूशन क्या है, हम दोनों बताते हैं। सर तो आपके जैसे आप बता रहे हैं लेकिन फिर भी आपके जो मैसेज हैं जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहे मेरे ख्याल से। ये देखिए अब हमारी पब्लिक आउटरीच जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब हम डायरेक्ट SMS के थ्रू हम आपको जनरल पब्लिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक अब हमारे इसको वेबसाइट को भी लोग बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं, और जैसे हम जो इंस्टाग्राम या फिर जो भी जिनके इन तक पहुंच है, हमारे फॉलोअर्स आपको काफ़ी दिनों दिन आपको बढ़ते जा रहे हैं। और यदि किसको इसके बारे में जानकारी चाहिए, विशेष जानकारी चाहिए, तो हमारा तो वेबसाइट जो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है और सारे इन्फॉर्मेशन रियल टाइम इन्फॉर्मेशन टोटली फ्री है, वो तो कभी भी इसको एसेस करके कुछ भी देख सकता है वेदर से रिलेटेड। सर ये तो हो गया कि आपके जो नॉर्म्स बने हुए उसके आप मीडिया की पब्लिसिटी वगैरह सारी करते हैं, एक जनरल पब्लिसिटी के मेथड्स हैं जिससे कि हर एक इंसान तक ये मैसेज पहुंचे, आमतौर पे जैसे नुक्कड़ नाटक हो गए या कोई आपके सेमिनार हो जाए जहां पे आम पब्लिक आ सके, कुछ ऐसा प्रोविजन आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल। NGO के साथ किसी के साथ आप मिलकर स्पेशल एक्टिविटी कर रहे हो? नहीं देखिए, जहाँ तक हम NGO के साथ मिलकर ऐसी कोई एक्टिविटी अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी यदि कोई NGO इस मामले में हमारा ये चाहता है, सहयोग चाहता है, तो उस सहयोग के लिए हम एनी टाइम तैयार है। मैं इसका एग्जांपल दूंगा, पिछले ही महीने 28 मई को एक NGO जो असर जो है इसके रिलेटेड एक ये करवाया था, मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया था, उसमें यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट ने जाकर पार्टिसिपेट किया था और वेदर से रिलेटेड उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया था। और इसके अलावा हम अपनी पब्लिक आउटरीच बढ़ाने के लिए, हम लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए रेगुलर इंटरवल पर कॉलेज के स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को अपने यहाँ इनवाइट करते रहते हैं और इनको उनको ये सब के बारे में जानकारी देते रहते हैं। सर तो क्या आपके पास इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कोई स्पेशल बजट होता है? नहीं देखिए, इसमें बजट की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि यदि आवश्यकता पड़ती है तो हमारा मुख्यालय जो है इसके लिए हमको बजट प्रोवाइड भी करवाता है। इसके लिए हम वो बजट, जैसे कि इस साल हमको याद है कि 15 जनवरी को हमारा 150 ईयर्स का हमने शुरुआत की थी, जिसके लिए स्पेशल बजट प्रोवाइड किया गया था। तो रेगुलर इंटरवल पर हमारा डिपार्टमेंट इसके लिए बजट प्रोवाइड भी करवाता रहता है। और इसके अलावा ये सर्विसेज, जैसे कि इसमें नॉलेज को देना हुआ, मतलब कि एक तरह से ज्ञान को बांटना हुआ, वो टोटली फ्री है। कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट यहाँ पर आकर हमसे वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, हम इसको टोटली फ्री इंफॉर्मेशन देते हैं। सर तो जितना आपका इसमें लिटरेचर का भी रोल रहता होगा, तो वो लिटरेचर चाहे ब्रोशर्स, लीफलेट्स हो गए या कोई बुक हो गई, तो वो सारी आपके साइट्स को अवेलेबल होंगी? बिल्कुल साइट्स पर अवेलेबल है, कोई भी चाहे तो फ्रीली हमारे साइट से इसको एसेस कर सकता है। और जब भी हम स्पेशल प्रोग्राम करवाते हैं तो हम इसके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू आपको, इसके थ्रू वेब के थ्रू, ईमेल के थ्रू हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। प्रिंटेड मटेरियल हार्ड कॉपी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जरूरत पड़ी तो हम हार्ड कॉपी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए बजट होना चाहिए। बजट होना चाहिए तो वो आपको अरेंज करवाना पड़ता है, बजट या स्पॉन्सर करवा सकते हैं आप? हमारा मुख्यालय है। तो बेसिकली आपके साथ कभी इंडस्ट्रीज आती है कोलैबोरेट करने के लिए कि या अवेयरनेस के लिए? शायद ही कोई ऐसा ये डोमेन हो जो कि वेदर को लेकर अछूता है, सबका वेदर पर नहीं, कोई भी ऐसा इंडस्ट्री है वेदर के बिना चल ही नहीं सकती, सारे इंडस्ट्री को हमारा आउटपुट जाता रहता है, आइदर वो स्टील इंडस्ट्री हो, पावर इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, रेलवे हो, एविएशन हो, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर दीजिए, उसके लिए वेदर आपको प्राइम फैक्टर है। तो वेदर के बारे में हम उनको कॉन्स्टेंट इंटरवल पर हम उनको मतलब अपना ये करवाते रहते हैं, आउटपुट देते रहते हैं। उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती रहती है कि उस पर वो किस तरीका से मतलब कि अपने हित में रिएक्ट करेंगे। एज सच आप बोलिएगा कि हमारे साथ कोलेब्रेशन, यदि कोई इंडस्ट्री इस तरीका से कोलेबरेट करना चाहे वेदर से रिलेटेड, तो हम एनी टाइम उसके लिए तैयार हैं। तो अभी आपको क्या लगता है आपके एफर्ट्स कितने % सक्सेसफुल हो रहे हैं और कहाँ कमी है कि आप अपने एफर्ट्स को बेटर कर सको? देखिए जहाँ तक हमारे एफर्ट की बात है, हमारे एफर्ट अब 100% सक्सेसफुल हो रहे हैं।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब हमारी पब्लिक आउटरीच इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि मैं ही यहाँ पर बैठा हूँ, मुझसे लोग फ़ोन करके पूछते हैं। जैसे पिछले महीने मुझे 3-4 फ़ोन आ चुके थे कि मेरे बेटे की शादी है 15 जून, आप ये बताइए कि उस दिन हीट वेव रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर बारिश रहेगी या नहीं रहेगी। कभी कभी हमसे ये भी इतना तक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अच्छा ये बताइए कि आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, आज बारिश का मौसम है क्या, मैं कपड़े धोऊँ या नहीं धोऊँ। इसके अलावा ये भी पूछ लीजिए, अच्छा ये बताइए कि ये जो फसल जो है मैं ये बोने वाला हूँ, इस पर बारिश होगी या नहीं होगी, या होगी तो कितनी होगी। तो ये टेलीफोन जनरल पब्लिक से हमारे पास आने शुरू हुए हैं, मतलब हमारी फोरकास्ट पर अब लोगों को भरोसा है। और जहाँ तक हमारी फोरकास्ट एक्यूरेसी की बात करिए, हमारे पूर्वानुमान जो है ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेट जा रहे हैं। तो लोगों पर हम पर ट्रस्ट है और पब्लिक हम पर भरोसा कर रही है और डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। सर एक तो अभी सर आप एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको अगर आप एक्चुअल देखें तो उसके आपकी मतलब एक उपलब्धि क्या रहेगी? देखिए मैं आपको सिंपल शब्दों में उपलब्धि आपको बताने का शुरू कर रहा हूँ। आप 10-15-20 साल पहले याद करिए, जब साइक्लोन आते थे, सुपर साइक्लोन आते थे, तो उस समय ट्रेजडी कितनी होती थी। एक एक साइक्लोन में 10-10 हज़ार लोग, 5-5 हज़ार लोग डेथ के केसेज आ जाते थे। लेकिन आज के डेट में देख लीजिए, हमारी साइक्लोन फोरकास्ट में इतनी एक्यूरेसी आ चुकी है कि अब जो डेथ के केसेज होते हैं ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। पहले जहां 5,000-10,000 लोग मर जाते थे, अब डेथ के केस जीरो होते हैं, जो नेग्लेक्ट 2 या 3। तो ये तो ऑब्वियस है, ये हमारी इफिशियंसी दिखा रहा है। जहाँ पहले 10,000 डेथ होते थे, मैंने सुना था कि उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन आया हुआ था आपको 1999 में, उसमें 10,000 लोग मरे थे। अब वही जो ये होते हैं, अब जो केसेज होते हैं ऑलमोस्ट जीरो या फिर दो चार, तो आप समझ ही सकते हैं तो होना ही है, क्योंकि कुछ लोग मानते नहीं हैं चेतावनियों को। तो ये हमारा दिखा रहा है कि हमारी फोरकास्ट एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमारी ये हम लोग उस सिचुएशन पर आ चुके हैं, जैसे पिछले साल जब मैं 8-10 जुलाई की मैं बात कर रहा था, तो लोग हमसे पूछ रहे थे कि बारिश कब रुकेगी। इसी तरीके से इस बार जो हीट वेव चल रहा था, लोग हम लोगों से बार बार पूछते थे कि इस पर टेम्परेचर कब डाउन होगा। आज भी हमारे पास कम से कम 10-12 मीडिया के लोग आ चुके हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि अभी हीट वेव का क्या जारी रखना है। तो ये दिखा रहा है कि हमारी मार्केट में कितनी वैल्यू बढ़ चुकी है, हमारी कितनी इफिशियंसी बढ़ चुकी है, लोग हम पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। सर तो समय से पहले कितने समय तक आप फोरकास्ट कर पाते हो? देखिए फोरकास्ट के भी 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कि शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, एक मीडियम रेंज फोरकास्ट, एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। सबके जैसे हमारा जो डोमेन है, वो हमारा डोमेन है, हम 7 दिन का फोरकास्ट देते हैं और 5 दिन की हम वार्निंग देते हैं। हमारा डोमेन है 7 दिन का फोरकास्ट और 5 दिन की वार्निंग। इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उसके लिए हमारे अलग ऑफिस है, जैसे कि पुणे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इशू करता है, जैसे 1 या 2 महीना पहले जिसकी वैलिडिटी उससे ज़्यादा हो। तो ये आपको और कुछ एक फोरकास्ट जो होते हैं त्वरित फोरकास्ट होते हैं। त्वरित फोरकास्ट मतलब कि जैसे अगले 3 घंटे में क्या होने वाला है। जैसे कल हमने नाउकास्ट इशू किया हुआ था, नाउकास्ट इशू मतलब कि कहाँ पर आपको बर्फ़ गिरने वाली है, कहाँ पर आपको तेज हवाएं चलना, ये सब नाउकास्ट होता है। तो फोरकास्ट भी 2-3 तरह के हैं, कुछ की वैलिडिटी तीन घंटे होती है, कुछ की वैलिडिटी आपको 3 दिन होती है, कुछ की वैलिडिटी आपको 10 दिन होती है, कुछ की वैलिडिटी आपको 5 दिन होती है, कुछ का आपको 1 महीना और कुछ 45-60 दिन। इस तरीके से फोरकास्ट है, ये अलग अलग कैटेगरी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी कीमती जानकारी आम जनता के लिए दी है और इसी तरह आगे भी हम आपसे जानकारी लेके पब्लिक तक पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।